हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट क्लास एजुकेशन में। तो बात करने वाले हैं आज हम फिजिकल एजुकेशन के टाइप 25 क्वेश्चंस पे, जो आगामी TGT एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं? पहला ऑप्शन गोनियोमीटर, दूसरा स्टेडियोमीटर, तीसरा स्पायरोमीटर, लास्ट ऑप्शन डायनमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलियोसिस नामक विकृत के स्तर के नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्कोलियोमीटर और स्पाइनोग्राफ, दूसरा ऑप्शन स्पायरोमीटर, तीसरा ऑप्शन स्नेल चार्ट एंड लास्ट ऑप्शन मैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचीमीटर से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रो, दूसरा एल्गोन, तीसरा एम्बो, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्टेडियोमीटर, दूसरा मैनोमीटर, तीसरा गोनियोमीटर, लास्ट ऑप्शन डायनमोमीटर। 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन थार्नडाइक, दूसरा थॉमस, तीसरा फ्रेडरिक रेंड जॉर्ज रॉजर्स, लास्ट कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टोर का माध्यम नहीं है, क्या नहीं है? पहला ऑप्शन DVD, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा हार्ड डिस्क, लास्ट फ्लैश ड्राइव। तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क क्या दिया हुआ है? लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा इंटरफेस कोड, तीसरा केबल, लास्ट मॉडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस भाग में होती है? पहला ऑप्शन CPU, दूसरा RAM, तीसरा मदरबोर्ड, लास्ट मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 5 टीमों को सीडिंग दी जा सकती है? आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन विषम परिस्थिति में दी जा सकती है, दूसरा ऑप्शन नहीं दी जा सकती है, तीसरा ऑप्शन दी जा सकती है, लास्ट 6 को दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा, नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में सुपर सीडिंग कितने टीमों को दी जाती है? पहला ऑप्शन 2 की घात में, दूसरा 3 को, तीसरा दोनों, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री सेकंड का उल्लंघन करना कौन सा फाउल कहलाता है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत फाउल, दूसरा फाउल, तीसरा ऑप्शन वायलेशन, लास्ट पेनाल्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीम का कौन सा सदस्य टाइम आउट ले सकता है? पहला ऑप्शन कप्तान, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा कोच, लास्ट मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल के किसी नियम का उल्लंघन करना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन वायलेशन, दूसरा व्यक्तिगत फाउल, तीसरा फाउल, लास्ट ऑप्शन पेनाल्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैच में एक टीम कुल कितने टाइम आउट ले सकती है? सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन टू, दूसरा थ्री, तीसरा फोर, लास्ट फाइव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइम आउट कितने समय का होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन 5 मिनट, दूसरा 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन 1 मिनट एंड लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे वो है 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा 1945, तीसरा ऑप्शन 1948, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल सके। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621 8192 09, 500 रुपी का पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप की शुरुआत कब हुई? सन बताना है आपको। पहला ऑप्शन 1900, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा 1948, लास्ट ऑप्शन 1957। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? पहला ऑप्शन अपर्णा पोपट, दूसरा सैयद मोदी, तीसरा प्रकाश पादुकोण, लास्ट ऑप्शन विजयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन सा था? पहला ऑप्शन बैकम क्लब, दूसरा बाथ क्लब इंगेड, तीसरा काउंटी क्लब, लास्ट कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल का जन्मदाता किसे माना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। पहला ऑप्शन चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा इंग्लैंड, लास्ट इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन पेप्सी कप, दूसरा एस्कॉल ट्रॉफी, तीसरा पद्मा ट्रॉफी, लास्ट सैमसंग ट्रॉफी। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग को अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन का।
पहला ऑप्शन वीनू मांकर ट्रॉफी, दूसरा सी के नायडू, तीसरा पद्मा ट्रॉफी, लास्ट ऑप्शन पेप्सी कप। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 21 मई 1904, दूसरा 21 मार्च 1906, तीसरा 10 जून 1912, लास्ट ऑप्शन 11 जुलाई 1920। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल संघ मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बर्लिन जर्मनी, दूसरा पेरिस यानी कि फ्रांस, तीसरा रोम यानी कि इटली, लास्ट ऑप्शन ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? पहला ऑप्शन संतोष ट्रॉफी, दूसरा नेहरू गोल्ड कप, तीसरा ऑप्शन श्री कृष्ण गोल्ड कप, लास्ट ऑप्शन डूरंड कप। तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा। तो ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।